और इस वक्त आ रही है एक अहम ग्लोबल खबर। अमेरिका से डरे चीन की एक और चाल सामने आई है। शी जिनपिंग ने रूस से की अपील, अपने दूसरे एशियाई सहयोगियों से भी जिनपिंग ने अपील की है एशिया में बाहरी हस्तक्षेप ना हो, ये कह रहे हैं जिनपिंग। बिना नाम लिए चीन का अमेरिका पर यह हमला माना जा रहा है। और अमेरिकी सबमरीन 4 सप्ताह के लिए ताइवान में होंगी तैनात। ताइवान की आर्मी को अमेरिकी सैनिक एडवांस ट्रेनिंग भी देंगे। चीन की बेचैनी बढ़ी। ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल सुरंगों की तस्वीरें जारी की। इसराइल तक सटीक हमला करने में सक्षम, अमेरिका की नजरों से छिपाए रखने के लिए जमीन के अंदर रखा। अपनी मिलिट्री ताकत को मजबूत करने में जुटा तुर्की। तुर्की का पहला सशस्त्र मानव रहित पोत यूएलएक्यू लॉन्च के लिए तैयार, दिसंबर में भूमध्य सागर में तैनात होगा। आतंकवाद के खिलाफ भारत के दबाव के आगे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने घुटने टेके। मोस्ट वांटेड की नई सूची में मुंबई हमले में शामिल 11 आतंकियों के नाम दर्ज किए। विपक्षी पार्टियों की घेरेबंदी में फंसे पाकिस्तानी पीएम इमरान खान, गिलगित बाल्टिस्तान मसले पर हुए बेनकाब। पाकिस्तान की संसद ने सुरक्षा ब्रीफिंग टाली। पीएम मोदी ने कहा नीतीश ही होंगे बिहार के अगले सीएम, नीतीश की अगुवाई में बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे काम। बिहार में रिजल्ट के बाद सीएम नीतीश की पहली प्रतिक्रिया, नीतीश ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद, जताया आभार। 16 नवंबर या उसके बाद सीएम पद की शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार, सूत्रों के हवाले से खबर। 7वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश की होगी ताजपोशी। पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा देश का विकास सबसे बड़ी कसौटी, काम न करने वालों की जमानत जब्त हुई। बिहार विजय को लेकर बीजेपी मुख्यालय में जबरदस्त जश्न, मोदी मोदी के लगे नारे। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।